نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم I hope you all are fine today we are going to start new exercise which is 12.3 and this exercise is totally based on world problems and it will help to understand daily life or real life problems which where we can solve the volume and area 3D objects. यहाँ पे हम 3D objects का जो है area और volume मालूम कर सकते हैं और उसी के लिए जो है हम इसको use भी करेंगे. तो पहला सवाल हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं find the cost of polishing cupboard. एक cupboard है, उसकी polish करनी है, उसके डायमेंशन कितने, 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर. अब यहाँ पे इन्होंने हमें नहीं बताया कि 3 मीटर हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कुछ नहीं बताया. तो आपने क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा वाली होगी उसको लेंथ रख लेनी है, सब उससे कम वाली को ब्रेथ और सबसे कम वाली को हाई रख लेनी, हाइट रख लेनी है, यानी कि एच रख लेना है. रेट 500 पर स्क्वायर मीटर. तो जितना स्क्वायर मीटर निकलेगा उसका हमने क्या करना है, 500 से मल्टीप्लाई करना है. पहले भी हम ऐसे सवाल कर चुके हैं और अब भी हम करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. चलिए जी, पार्ट नंबर 1 है इसका, इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 नहीं है. तो फर्स्ट इन्होंने हमें तीन चीज़ें दी हुई, 3, 2, 1. तो 3 हम रख लेते हैं अपनी लेंथ को, 2 हम रख लेते हैं अपनी ब्रेथ को, और h हमारा हो जाएगा क्या, 1. फॉर्मूला क्या है हमारे पास एरिया मालूम करने का, क्योंकि सबसे पहले हमने एरिया मालूम करना है. तो a इज इक्वल टू 2l मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय h प्लस h मल्टीप्लाई बाय एल. ए की जगह एल की जगह पे एल की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू. एल हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. चलिए जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और आंसर यहाँ पे लिख दें. ए इज इक्वल टू 2, 2 3 थ्री टू ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3. ए इज इक्वल टू 2, इनको आपस में प्लस कर लें तो 6 7 8 9 10 11. तो ये कितने हो गए, 11. ब्रैकेट के बाहर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है. तो जब 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है. अब कह रहे हैं कि इन्होंने हमें एक चीज़ और दी है, वो क्या है कि हमें रेट दिया है इन्होंने कितना, 500 का. तो इसका सॉरी मीटर है, मीटर है, ये स्क्वायर मीटर नहीं है बल्कि क्या है, मीटर है. रेट इन्होंने हमें दिया है किसका, 500 का. तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 को किससे, 22 से. 2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 10. 2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 10. 0 0 0 1 1 11,000. तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट हमारी होगी 11,000 और यही हो गया हमारे इसका आंसर. काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था और पहले आप ये काम कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए अब ये ज़्यादा आसान बनता जा रहा है. तो देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को. चलें क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज़्यादा आसान है. कह रहे हैं कि आ टैंक, एक टैंकर है इस 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसका एल जो है 5 मीटर है, उसकी विद बी जो है 5 4 मीटर है और 2.5 मीटर उसकी हाइट है. इन्होंने दे दिया, निकालने की लिखने की ज़रूरत नहीं. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, कैपेसिटी मालूम करनी है. तो वो जहाँ पे भी कैपेसिटी का लफ्ज़ आएगा, स्पेस का लफ्ज़ आएगा, वहाँ पे हम क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ही हमारी कैपेसिटी होती है. वॉल्यूम कैसे हमारी कैपेसिटी होती है भाई, वॉल्यूम हमारी ऐसे कैपेसिटी होती है कि वॉल्यूम कहते हैं मिकदार, ऐसी मिकदार के जो उस चीज़ को फिल कर सके. अगर एक कप है उसमें पाव, एक पाव दूध आता है, तो वो एक पाव उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगी. उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक पाव हो जाएगी. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हमें दिया है एल किसके इक्वल दिया है, 5 मीटर के, और बी किसके इक्वल दिया है, 4 मीटर के, और एच किसके इक्वल दिया है, 2.5 मीटर के.
वॉल्यूम मालूम, वॉल्यूम मालूम करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। जल्दी से हो जाएगा ये तो। वी इज इक्वल टू एल कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। वी इज इक्वल टू 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 20 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो 5 0 0, 5 2 10, 2 0 0, 2 2 4, 0 0 5, एक के बाद डेसिमल लगा दिए तो ये आ गया 50। 50 की डेसिमल के बाद जो जीरो तो उसको कंसिडर नहीं करते, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया किसके, 50 मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब, एरिया होता है तो स्क्वायर, वॉल्यूम है तो क्यूब लगा देते हैं, और ये हो गया हमारा इसका। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इंशा उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर करें, ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त जो ट्यूशन्स वगैरह की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आप हर आने वाली वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि द डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक, एक ईंट है उसकी डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, सही है। 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 10 ब्रिक जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर है। हाउ मच स्पेस विल बी एक्यूपाइड, वो कितनी स्पेस को घेरेगा बाय 1000 सच ब्रिक्स, जबकि 1000 ब्रिक्स हों तो वो कितनी स्पेस को घेरेगा। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने क्या मालूम करना है, स्पेस मालूम करनी है, एरिया मालूम करना है। तो एल इज़ इक्वल टू होगा हमारा किसके, 25 के। बी इज़ इक्वल टू होगी हमारी किसके, 10 के। और एच इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके, 4.5 के। चलें, और एक और चीज़ इन्होंने हमें दी है 1000 ब्रिक्स, इसको भी हमने याद रखना है। तो देखते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम है एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। वॉल्यूम L 20 है और मल्टीप्लाई बाय 10 है और मल्टीप्लाई बाय 4.5 है। वॉल्यूम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 25 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 5 0 0, 2 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 5 और 2, ये हो गया 250। ये कितने हो गए हमारे पास, हो गए 250 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो 250 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 से, 5 0 0 0, 5 5 20 5, 5 2 10, 11 12, 4 0 0 0, 4 5 20, और 4 2 8, 9 और 10, 0 5 2 1 1, ये कितने हो गए, 1125। अच्छा, डेसिमल कितने के बाद है, एक के बाद है, तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू हो गया 1125 के सेंटीमीटर क्यूब के। लेकिन अभी भी हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं आया, बल्कि हमने मालूम क्या करना है कि टोटल स्पेस मालूम करना है, कितना जगह है वो घेर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल स्पेस कितनी है, 1000 है, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1125 से। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1125 से, 5 0 0 0, 5 0 0 0, 5 0 0 0, 5 1 5, 2 0 0 0, 2 0 0 0, 2 0 0 0, 2 2 2, 1 2, 1 0 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 5 2 1 है। तो हमारे पास कितना बन गया, 5 2, अच्छा 2 1 है ना, तो हमारे पास ये पूरा ये बन जाएगा यूनिट, 10 100 1000 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 11,25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। तो हमने इसको भी बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ।
चले अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वुडन क्यूबिक, एक क्यूबिक बॉक्स है लकड़ी का, उसके ऊपर पेंट करना है विद एन एजिस ऑफ, और उसके जो एज हैं वो कितने 2.5 मीटर लॉन्ग है एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने 2.5 का रेट दिया, बाकी नहीं दिया। हमें पता है क्यूबिक जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, यानी कि उसके 3 साइड्स होती है हमारे पास, उसमें एल होता है, बी होता है और एच होता है। तो हम तीनों को क्या कंसिडर करेंगे, 2.5 ही कंसिडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने, क्योंकि इस पर कलर करना है तो इसका ज़रूरी एरिया निकालना होगा, तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू 2 एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एल। वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू 2 एल हमारे पास 2.5 है प्लस बी मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5 और मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। एक को करेंगे तो बाकी का आंसर सब में यही है, वही होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ। 5 5 10 वन ऊपर, 5 5 25 टू ऊपर, 5 2 10 11 और 12। तो ये हो गया 12। और 2 5 10 वन ऊपर, 2 2 4 और ये 5, तो 5 2 और ये 6, 6.25। तो v इज इक्वल टू, तो आंसर 2 6.25 प्लस, सब में यही होगा 6.25 प्लस 6.25। आपस में प्लस कर लेते हैं इन्हें, तो 6.25 को प्लस किया 6.25 के साथ, तो 5 5 5 5 और 5 10 एक ऊपर, 4 और 5 डेसिमल, 6 और 6 12। तो ये 12.50। और इसमें दोबारा हम इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी टू 12.5, क्योंकि आखिर में 0 है तो वो नहीं गिरेंगे, और प्लस 6.25। चलिए तो डेसिमल हटा देते हैं और 6.25 इसमें प्लस कर लेते हैं, 6.25 प्लस कर लेते हैं, तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 7 8 और एक 18.75। तो v इज इक्वल टू 2 18.75। चलो 18 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लें, 18.75 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 5 10 एक ऊपर, 2 7 14 और 15 एक ऊपर, 2 8 16 और 17 2 1 2 और ये एक ऊपर वाला जो हमने इसको दिया था 2 1 2 और ये 3 17 आया था ना, तो एक इसको ऊपर दिया, 7 नीचे आ गया, तो ये हो गया 37.50। तो v इज इक्वल टू हो गया हमारा 37.5 या 50, दोनों लिख सकते हैं मीटर, एरिया है तो स्क्वायर के। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 50 से, तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए हम क्या कर देंगे, 37.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। यहाँ कर लेते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलें यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, तो 37.5 या 0 भी लगा लें, चलें किससे मल्टीप्लाई करना है 50 से, 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 3 0 5 0 0 0 5 5 25 और 5 7 35 36 37 15 16 17 18। तो ये हो गया, और डेसिमल 2 के बाद है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 के, अच्छा प्लस तो हमने किया नहीं, 0 0 5 7 8 और 1, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिए, आखिर में 0 है, इनको काट दें, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट हमारी हो गई
इज़ इक्वल टू 1875, ये हमारी क्या होगी टोटल कॉस्ट। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का लफ्ज इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम मालूम करना ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग। एक टैंक है उसकी हर साइड 5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि LB5 है, BB5 है और HB5 है, और उसका हमने कैपेसिटी मालूम करनी है, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे और मालूम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इस जगह पे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास 5। तो L हमारे पास L, B और H हमारे पास कितने कितने हैं, 5 5 हैं जी, 5 5 हैं, 5 है, 5 है, 5 है, मीटर है, मीटर है, मीटर है। और उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास वॉल्यूम मालूम करने का, वो है वी, सॉरी ये एरिया था ना ऊपर वाला, तो सब में ए आएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे सब में ए आएगा, हमने गलती से वी वी लगा दिया, यहाँ पे सब में क्या आएगा, ए ए आएगा, दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो चलिए वी इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, यही फार्मूला है, फार्मूला हमने लिख लिया। तो वी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो वी इज़ इक्वल टू 5 5 25, और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 125। तो 125 मीटर क्यूब ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, और इसका हो गया ये वाला आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमारे लिए इन्होंने क्या सरप्राइज़ रखा है। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, बड़े वाला हमारा एल होता है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा बी है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एच है सबसे बड़े वाला एल, उससे छोटे वाला बी, उससे छोटे वाला हमारा एच, आर रिक्वायर्ड टू फिल अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो एक हमारा बॉक्स है 15, 10 और 5 सेंटीमीटर के साथ, और दूसरा हमारा बॉक्स है 30, 20 और 10 सेंटीमीटर के साथ। तो कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, पहले वाला, ये वाला ऊपर वाला 15, 10, 5 वाला, कह रहे हैं कि ये हमें कितने बॉक्सेस चाहिए कि हम 30, 20 और 10 सेंटीमीटर वाले बॉक्स को क्या कर दें, भर दें। तो सबसे पहले हमें दोनों के जो है मालूम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो दोनों के मालूम करेंगे वो क्या मालूम करेंगे, हम सबसे पहले इनका एरिया मालूम करेंगे, और एरिया नहीं वॉल्यूम मालूम करेंगे, और जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी तो फिर हम क्या कर देंगे, उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एक को हम कह देते हैं बॉक्स वन, दूसरे को हम कह देते हैं बॉक्स टू। तो बॉक्स वन का हमारे पास क्या क्या है, एल है हमारे पास कितना 15, और बी है हमारे पास कितनी 10, और एच है हमारे पास कितनी 5, और बी टू की हमारे पास कितनी है सर जी, बी टू की हमारे पास है एल 30, बी 20 और एच 10। दोनों का मालूम करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी वन 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। यहाँ पे रफ वर्क बना लेते हैं, 0 5 0 0 1 0 1 5 5 1 1 1, तो ये हो गया कितना 150, 150 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 0 5 5 25 5 1 5 और 6 7। तो बी वन हमारा किसके इक्वल हो गया, हो गया 750 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि वॉल्यूम है। और बी टू को देख लेते हैं, बी टू हमारे पास कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, तो 30 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से, 2 0 0 0 0 3 0, 2 0 0 2 3 6, तो ये हो गया हमारे पास 600। अब यहाँ पे कर लेते हैं, 600 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, तो 0 0 0 0 0 0 6 0,
1000 1000 1006, तो ये हो गया हमारे 6000, लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे क्या 6000। तो B2 हमारा कितना निकला, B2 निकला 6000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 6000 को डिवाइड करना है किससे, 750 से। एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। 5 का टेबल में पढ़ेंगे 15 टाइम तो आएगा 75, 5 का टेबल पढ़ेंगे 120 टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600। आगे यहीं पे कर लेते हैं 600, जिससे 600 क्योंकि हमने जीरो से जीरो काट दिया था 15। 3 5 ज़ा 15 और 3 24 ज़ा 20, सही है, 24 और 5 3 ज़ा 15, दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो घुमा हुआ है आज, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 का टेबल हम 24 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 24 टाइम पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो हमारा क्या आया 8 बॉक्सेस हम जो है उसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 10.6 जो है, एक्सरसाइज 6 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा पार्ट नंबर 7। अब हम आ गए अपने इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ केक डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज़ ₹100। एक केक है उसकी डायमेंशन इतनी है, उसकी जो कॉस्ट है वो 100 है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द केक विद डायमेंशन 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर ये वाला केक हो तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। आसान सा काम है, पहले इसका जो है वॉल्यूम निकालेंगे, इसका जब वॉल्यूम निकाल लेंगे उसको 10 से कर देंगे डिवाइड, 10 से डिवाइड सॉरी 100 से कर देंगे डिवाइड, 100 से डिवाइड करने के बाद हमें पर वॉल्यूम की जो है वो निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी। फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जो वैल्यू निकली होगी उससे इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, सही है। तो हमारे पास जो है केक 1 है, तो वो कितना है, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, सही है। ये दोनों तो एक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें से कौन सा L लें या कौन सा H लें। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 से 50 और 50 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कर लेते हैं 50 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 0 0 5 5 25, तो ये आ गया 250। कितना आ गया ये 250 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मालूम किए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो 100 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 250 से। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अगर हम 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 2/5 यहाँ पे आगे कर लेते हैं, तो ये 2/5 सही है जी। 2/5 को हम डिवाइड कर लेते हैं इस जगह पे, तो 5 से हमने डिवाइड करना है 2 को, तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 0 लगाया और डेसिमल लगाया, जैसे कि डिवाइड का रूल है आपको पता है, और यहाँ पे एक 0 का इजाफा कर दिया, एक एक 0 इंक्रीज कर दिया, 5 4 ज़ा 20, तो 0.4 इसका क्या आया, आंसर आया। अब जो केक 2 है उसका डायमेंशन मालूम करेंगे, केक 2 वो कितने का है, वो है 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2, तो ये कितना आ गया 200। 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2, तो 0 0 0 2
गलत हो गया, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, 5 0 ज़ा 0 और 5 2 ज़ा 10, एक्स का निशान 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, तो ये हो गया कितना, 0 0 3, ये हो गया कितना यार, थोड़ा सा खुला करके कर लेते हैं, ये तंग करके करने में ना काम काम ख़राब हो जाता है। तो चलिए 15, 5 0 0 0, 5 2 ज़ा 10, एक्स का साइन 1 0 0 0, 1, तो ये हो गया 0 0 3, ये हो गया 300। तो 300 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, 5 0 0 0, 5 0 0 0, 5 3 ज़ा 15, 1 0 0 0, 1 0 0 1 3 ज़ा 3, 0 0 5 और 4, तो ये हो गया 4500, 4500 सेंटीमीटर क्यूब, 4500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, सही है जी, तो 0.4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे रफ़र कर लेते हैं छोटा सा बना के, तो 5 0 0 और 0.4, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, चलें 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, तो 0 0 0, 8 और 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, और डेसिमल एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद जीरो है तो उसको हमने ख़त्म कर दिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी हमारे पास 1800, ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा, यहाँ पे नीचे देख लें, नीचे की तरफ कर लेते हैं, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1800 आ गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मिल टैंक, डायमेंशन 3.5 मीटर, 3.4 मीटर और 5.4 मीटर, कैपेसिटी मालूम करनी है, तो जब भी कैपेसिटी मालूम करनी हो तो हमने वॉल्यूम मालूम करना होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, चलें जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, 3 5.5 मल्टीप्लाई 3.5, सबसे ज़्यादा वाला हमारा एल होता है, फिर बी आता है और फिर क्या आता है हमारे पास एच आता है, मल्टीप्लाई बाय 3.4, इनको आपस में कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो 5.5 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27, तो ये हो गया 27 एक्स, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और ये 16, 5 7 और 7 14, 14 और में से 2 माइनस करो तो हो गया 12, 6 7 8 9 और 1, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल, ये हो गया 19.25। तो 19.25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.4 के साथ, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 9 ज़ा 36 37, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 एक्स, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 7, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 और 5, 0 5 7 7 14 1, 14 और 1 15 1 16, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये इसकी वॉल्यूम हमारे पास होगी 6.65.45, आखिर में 0 लगाना चाहें तो लगा लें, वरना ये हमारा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब, ये हो गया हमारे इसका आंसर। आप क्वेश्चन के लास्ट, बुक के लास्ट में इसके आंसर को मैच भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि पार्ट नंबर 9 में ये क्या कह रहा है। तो पार्ट नंबर 9 में कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ टी बॉक्स 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर और 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर, हाउ मच स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय 100 सच अ बॉक्स।
सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे और 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए दिखा देखते हैं। तो स्पेस मालूम करनी है, इसके स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज़ लिख लें, इनको हम क्या कर लें एज इट इज़ लिख लें। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 और 21 मल्टीप्लाई अपॉन 4 और 11 अपॉन 2। चलें जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 वन ज़ा 3, 3 सेवन ज़ा 21। तो ये आ गया 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 1 और मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2। 1 वन ज़ा 1, 1 टू ज़ा 2, डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 2, और 5 सेवन ज़ा 35। 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 8 और 3, 385, 385, 385। अब इसको हम, इसको सॉरी, इसको हम गलत हो, गलती होगी थोड़ी सी, ऊपर कर ले, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किसे, 385 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो 2 वन ज़ा 2, 1 बच गया और 8 नीचे आ गया, 2 नाइन ज़ा 18, 5 बच गया, 5 नीचे आ गया, और 2 टू ज़ा 4, 1 बच गया, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, यही 0 नीचे आ गया, 2 5 ज़ा 10, तो 192.5, 192.5। ये तो हो गई एक बॉक्स की। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 100 बॉक्स आई है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं कितनी निकली हमारी वैल्यू। तो जगह यहाँ पे कम पड़ गई मल्टीप्लाई करने के लिए, चलें यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इसको किया तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर यही आएगा, 192.50। ये सब क्या आ जाएगा आंसर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज के अख्तिताम के ऊपर, जो इस क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलें जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग स्टील क्यूब, एक स्टील की क्यूब है, इसके ऊपर पेंटिंग करनी है, ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग है एट द रेट ऑफ स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर के रेट पर। तो सबसे पहले एरिया मालूम करने, क्योंकि इन्होंने साइड कह दी, तो हम क्या मालूम करेंगे, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्योंकि हर साइड 5.2 मीटर लॉन्ग है तो मसला ही कोई नहीं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 L मल्टीप्लाई बाय B प्लस B मल्टीप्लाई बाय H प्लस H और मल्टीप्लाई बाय L। वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं, तो सॉरी 5.2, 5.2, ये जी हाँ 5.2 है, मल्टीप्लाई बाय 5.2 प्लस 5.2, मल्टीप्लाई बाय 5.2 प्लस 5.2, मल्टीप्लाई बाय 5.2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। एक ही को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, एक जैसी ही आ जाएगी, फिर आखिर में उनको प्लस कर लेंगे। तो 5.2 को मल्टीप्लाई किया 5.2 के साथ, तो 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 26, तो 4 0 7 2, 2 के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल, 27 0 4, तो ए इज़ इक्वल टू 2 27.04 प्लस 27.04 प्लस 27.04। चलिए जी इसको अब हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको हम तीनों को प्लस कर रहे हैं या एक को लिख के तीन तीन से थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बात एक ही होगी, बिल्कुल एक ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 27.04 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बात एक ही हो जाएगी, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर, 1 ऊपर, 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। अच्छा 3 7 ज़ा 21, 1 इधर, 2 ऊपर, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल, तो 81.12।
ए इज इक्वल टू टू 81.12। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टू के साथ, एक बार फिर से मल्टीप्लाई का काम। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टू टू ज़ा 4, टू वन ज़ा 2, टू वन ज़ा 2, टू एट ज़ा 16, दो के बाद डेसिमल, दो के बाद 16, दो के बाद डेसिमल और दो के बाद डेसिमल। तो ए इज इक्वल टू हो गया 162.24 के। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 15.5 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15.5 से। थोड़ा सा इसको इधर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 162.24 को मल्टीप्लाई करना है 5.51, 15.5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10, 11, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8। यही वाली वैल्यू 5 है तो ये वाली वैल्यू जाएंगी, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 8। 0 0 2 1 0 8 1 1। 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। प्लस कर लेते हैं तो ये 0 2 4 5 6 7 3 10 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 2 और 1 2 3 के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल। तो ये हमारा आंसर हो गया 250372। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पे शायद प्लस माइनस में कोई गलती हो गई है, एज इट इज़ जिस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल वाले में, सर साहब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास आया 25172। लास्ट में ज़ीरो होगा लेकिन आप ज़ीरो को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे इसका आंसर। और इसी के साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर इसके हवाले से कोई भी आप क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।